साथियों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार। साथियों मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान नूह विधानसभा से। साथियों कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, ईमानदार एक सिपाही। साथियों जिस तरह देश में सेवा की 20 साल लगातार, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस का दामन थाम कांग्रेस के सच्चे सिपाही की तरह हम लोग जुटे हुए हैं। और साथियों मैं बता दूं, आज हमारे यहाँ इकट्ठे होने का मकसद है गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी श्री राज बब्बर जी, जो 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। साथियों वो 6ठी बार लोकसभा सांसद बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जोरदार ताली बजाओ साथियों। और मैं बता दूं साथियों, उसी की खुशी में जो हाईकमान ने टिकट फाइनल किया है, हम पूरे मेवाती और पूरी गुड़गांव लोकसभा के जितने भी वर्कर हैं, हम वोटर सपोर्टर हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं और हम इंशाल्लाह जीत हासिल कर लोकसभा पहुंचेंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं मेवात के हर नौजवान से और गुड़गांव लोकसभा के हर वर्कर से, हर वोटर सपोर्टर से, कि जिस तरह हमेशा हम लोगों ने एक अच्छे मजबूत कैंडिडेट को आगे भेजा, लेकिन बुजदिली रही और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी रही हमारे बीच। राव इंद्रजीत साहब 10 साल से लगातार प्रत्याशी रहे और एक बार भी मेवात आकर नहीं देखा। जिस तरह लोग गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना करीब रिवाड़ी यही नज़दीक पड़ता है, लेकिन आज तक वो बंदा मेवात नहीं आया। और लोग बात करते हैं राज बब्बर मुंबई से आया है, मुंबई कौन जाएगा? अरे मेरे साथियों मैं बता दूं, राज बब्बर साहब पिछले 10 सालों से गुरुग्राम में रहता है और 5 बार लोकसभा सांसद बन चुका है। और साथियों मैं बता दूं, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा और 6ठी बार बनने जा रहा है इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूं आपके बीच रहेगा, कोई भी आदमी भ्रांति ना फैलाए। और मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो गुरुग्राम के अंदर पंजाबी वोट करीबन 3 से 4 लाख वोट है साथियों, 2.5 से 3 लाख वोट कम से कम वोट है। और राज बब्बर जी पंजाबी समाज से आते हैं और बहुत ही निखरे हुए लीडर हैं। साथियों गुमराह ना करें, मेवात में हमारी करीबन 6 लाख वोट इकट्ठी हैं, उसके साथ हमारी दलित समाज की कम से कम 6 लाख वोटें हैं जिनके बीच कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। साथियों ये सारी वोटें राज बब्बर साहब को मिलने जा रही हैं, कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही हैं। और राहुल जी की जो मेहनत रही और उन्होंने हाईकमान ने जो देरी भले ही हुई, लेकिन हमें सॉलिड कैंडिडेट दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। और अब खड़े हो जाओ, कमर कस लें और कल से ही अपने प्रोग्रामों की तैयारी करें और आगे बढ़ें, ऐसा मेरा कहना है। उसी खुशी में आज लड्डू बांटकर इंशाल्लाह इसकी खुशी का इजहार किया गया। अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे ताऊ जी है, हमसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो सर?